ये है वेंट्रो कार पावर इन्वर्टर, ये एलईडी बल्ब, ये मेरा आईफोन मोबाइल चार्जर के साथ, और ये मेरा लैपटॉप इसके चार्जर के साथ। तो हम इतने सारे चीज़ें आज हम चार्ज करेंगे हमारे इस कार के बैटरी से। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वेंट्रो कार पावर इन्वर्टर, इससे हम करेंगे। तो आज इसके बारे में हमारा एक्सपेरिमेंट है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी दोस्तों, ये देखो ये जो वेंट्रो कार पावर इन्वर्टर है, अभी हम इसको अमेजन से ऑर्डर किया था। इसको हम खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या सामान मिलता है और किस तरह का ये काम करता है। मैंने तो आपको तो पता, ये जो लैपटॉप और जो मोबाइल, बाद में एलईडी बल्ब है ना, हर चीज़ें लेके आया हूँ। ये सब चीज़ें चार्ज करेंगे हम अपना कार के बैटरी से। तो ये अगर हम कार के बैटरी से करने जाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए रहेगा? एक इन्वर्टर चाहिए रहेगा, क्योंकि नॉर्मली इसमें डीसी वोल्ट होता है ना, तो उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट चाहिए रहेगा। ये वही चीज़ है, इन्वर्टर का मतलब वही होता है कि भाई जो नॉर्मल जो डीसी वोल्ट होता है उसको एसी में कन्वर्ट करें। तो नॉर्मली देखो, आप तो फोन अपना चार्ज कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली जो सॉकेट से 12 वोल्ट से, पर जो लैपटॉप आप कैसे चार्ज करोगे है ना? तो नॉर्मली जो एसी में जो लगने वाला, जो एसी पावर में लगने वाला जो मोबाइल चार्जर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो चार्जर है, ये भी काम करेगा है ना। इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई नॉर्मली डायरेक्टली मेन पावर प्लग में जो आप लगाते हैं ना घर के प्लग में, उसी में भी आप ये काम कर सकते हो। कैसे करेगा वही चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो तो सबसे पहले खोल के देखते हैं अभी इसके अंदर क्या क्या सामान मिलता है। ओके, बिल्कुल बॉक्स पैक तो खोल रहा हूँ आपके सामने, पता ही है, कुछ भी नहीं है। और ये एक यूनिट है, एक सेकंड है, इसके अंदर क्या दिया? यूज़र मैनुअल एंड वारंटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके कुछ आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना, इसमें बाद में आपको वारंटी मिलेगा। इस बारे में कुछ है बाकी तो आपको पता ही है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ये खरीदना है तो। ऐसे बॉक्स बहुत ही खूबसूरत पैकिंग दिया हुआ है, ये मुझे अच्छा लगा। ओ हो भाई साहब, ये एक चीज़ अच्छा बात है। देखो ये तो मेन तो एसी पावर के लिए दो पॉइंट दिया हुआ, मतलब एक से आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, या तो आप एक से फोन चार्ज कर सकते हो, बाद में एलईडी बल्ब लगा सकते हो, जो नॉर्मली जो घर में जो बल्ब होता है ना, वो सब लगा सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर वो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर एक डिजिटल मीटर भी दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपको दिख नहीं रहा, लाइट जलने के बाद दिखेगा। और ये देखो, ये मेन चीज़ है, देखो चार पॉइंट दिया है यहाँ पर। ये देखो, मतलब आप एक साथ चार यूएसबी लगा के चार फोन को चार्ज कर सकते हो भाई, ये तो कमाल हो गया। नॉर्मली आपके फोन में क्या रहता है, कार में क्या रहता है, एक ही चार्जर यूनिट रहता है ना, आप इसको लगाओ 12 वोल्ट में ऐसा, और मस्त बाद में इसमें लैपटॉप चार्ज करो, एलईडी बल्ब लगाओ, मतलब डायरेक्टली मोबाइल चार्जर लगा सकते हो। ये देखो चार यूएसबी है, ज़बरदस्त। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा यार, मज़ा आ जाएगा। अभी देखते हैं, अभी हर चीज़ हम करके देखेंगे इसमें। मुझे पता आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, अभी जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। चलो अभी एक एक चीज़ें करके करते हैं, अभी देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ पावर में, यहाँ पर सबसे पहले एक कॉर्ड यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले कार का पावर ऑन करते हैं। ये देखो, ये इनपुट वोल्टेज दिखा रहा है 12.4, वेरी गुड। अब तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी देखते हैं मोबाइल का जो चार्जर है, ये इसमें से लग के प्रॉपर से चार्ज होता है कि नहीं, मैं आपको वो भी वो दिखाता हूँ। एलईडी बल्ब भी दिखाएंगे, रुको, हाँ वीडियो को स्किप मत करो यार। यहाँ पर देखो ऑन और ऑफ का स्विच है यहाँ पर, तो मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रहा है, ऑन। वाह, ये देखो ये फ़ोन चार्ज हो रहा है, ये देखो। ये देखो, जैसे मैं इसको स्विच ऑफ करूँगा यहाँ से, ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया, ये चार्ज होना बंद हो गया, ये देखो। और जैसे इसको मैं इसे ऑन करूँगा, ऑन कर दिया, ये देखो ये चार्ज होना चालू हो गया। अगर मैं लॉक स्क्रीन में दिखा तो आपको क्लियर दिखेगा, जैसे इसको मैंने लॉक स्क्रीन कर दिया, अब देखो हाँ, ये अभी स्विच ऑन, देखो ये देखो ये चार्ज हो रहा है, 94% चार्ज दिखा रहा है, ये देखो चार्ज हो रहा है, मस्त। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। हम इस लैपटॉप को चार्ज करके देखेंगे। ये देखो, ये मैंने चार्जर लगा दिया, और ये देखो चार्ज हो रहा है, ये देखो वहाँ पर दिख रहा है आपको चार्ज। जैसे कि इसको ऑफ कर दूंगा, देखना बाद में कैसा हो जाएगा। जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया, ये चार्जर सिंबल हट जाएगा चार्ज बैटरी से, देखो ये हट गया है ना। और जैसे इसको मैंने ऑन कर दिया, अब देखना वापस से चार्जर सिंबल आ जाएगा, ये देखो ये चार्ज होना चालू हो गया, वो देखो दिख रहा है, ये देखो अप डाउन हो रहा है बैटरी। तो दोस्तों लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है। अगर आपको इमरजेंसी, अगर कुछ बल्ब वगैरह जलाना है, पार्टी शर्टी को किधर जंगल में पार्टी शर्टी करने गए, तो आपको ऐसे एक एलईडी बल्ब लेके जाओ, देखो ऐसे रेडी करके मस्त एलईडी बल्ब लेके जाकर जाओ, और ऐसा मस्त लगा दो। और आपको पता ही है, तो बस 13 वाट्स का है ये, ज़्यादा बैटरी भी खत्म नहीं करेगा है ना, आपको लॉन्ग टाइम चलेगा ये चीज़ अगर पार्टी शर्टी करने गए तो। ठीक है, इसको मैं भी लगा देता हूँ पिन यहाँ पर, ये लग गया। अब हम देखते हैं कि ये बल्ब चालू होता है कि नहीं। ये देखो ये बल्ब चालू हो गया, ये देखो ये बल्ब चालू हो गया। देखो फिर मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ, मैं मुझे लगता है एक दो सेकंड में टाइम लगता है एक्चुअली ऑन होने के लिए। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ सर्किट होगा, वो कुछ प्रोसेस करने के बाद ही इसको चालू करता है, मतलब सेफ है कि नहीं, सेफ मोड में चालू होता है, ऐसा कुछ तो रहेगा। देखो ये बल्ब चालू होगा, देखो ये देखो ये चालू हो गया बल्ब। दोस्तों ये देखो, जब मैंने ये नीचे रखा था, यहाँ पर थोड़ा डार्कनेस रहता है ना, देखो यहाँ पर मस्त एकदम फुल पावर जलती हुई दिख रहा है। एक्चुअली पावर पर कोई कमी नहीं, नॉर्मली आप मेन बोर्ड पर लगाओगे तो कैसे चलता है ना, घर के बोर्ड पर सेम ऐसे ही पावर चल रहा है वो। ये मैंने ऑफ कर दिया, और देखिए जो वापस मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखो ये फुल पावर चल रहा है, देखो। तो दोस्तों आपको अगर अपना लैपटॉप चार्ज करने के लिए अगर ये खरीदना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के जो चार्जर है, ये जो लैपटॉप चार्जर आप ये खरीद सकते हो। ये देखो ये जो एलईडी बल्ब वगैरह जलाए, जो मोबाइल का जो चार्जर से जलाए, तो बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए भाई ये किस तरह का काम करता है बोलिए, पर मुझे लगता है मेजरली काम है कि आपको लैपटॉप चार्ज करने के लिए चीज़ बहुत ही सही चीज़ रहेगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।